सोलन को नगर निगम बनाने के लिए संघर्ष समिति ने अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया है। वे जहां एक और लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और नगर निगम के महत्व को समझा रहे हैं, वहीं उनकी समिति राजनेताओं से भी संपर्क साध रही है ताकि सोलन को जल्द से जल्द नगर निगम बनाया जा सके और सोलन का विकास हो सके। अब संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को अपना वायदा याद दिलाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान आरंभ किया है, जिसमें योजना 15 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे, जिसमें सोलन को नगर निगम बनाने की मांग रखी जाएगी। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सांसद और स्थानीय नेता भी सोलन को नगर निगम बनाने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए संघर्ष समिति जल्द ही सांसद वीरेंद्र कश्यप के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के पास जाने वाले हैं। अधिक जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने बताया कि मुख्यमंत्री सोलन को नगर निगम बनाने की हामी भर चुके हैं और सोलन शहर वासियों को उन्होंने नगर निगम बनाने का वायदा भी किया है, लेकिन अभी तक नगर निगम बनाने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है, इसलिए संघर्ष समिति रोजाना 15 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को भेजेगी और करीबन एक माह तक 450 पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वे नगर निगम की प्रक्रिया जल्द आरंभ कर देंगे तो वे अब यह पोस्ट कार्ड मांग की बजाय धन्यवाद के होंगे, अन्यथा उनका यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सोलन नगर निगम नहीं बन जाता। आज सोलन नगर निगम संघर्ष समिति की एक बैठक हुई और आज से जो हमने पहले निर्णय किया था कि सोलन को नगर निगम बनाने की जो हमारी मांग है उसके समर्थन में सोलन के नागरिकों द्वारा पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भेजे जा रहे हैं, जिसमें ये प्रार्थना की जा रही है कि सोलन को जल्द से जल्द नगर निगम बनाया जाए। कि एक 28 दिसंबर को हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनका जो इस संबंध में जो बात करने का वो था वो बड़ा सकारात्मक था। कल एक और अन्य डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारे स्थानीय माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्री वीरेंद्र कश्यप जी, उनसे भी संघर्ष समिति का एक डेलीगेशन मिला। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही वो सीएम साहब से बात करेंगे। सोलन नगर निगम संघर्ष समिति का एक डेलीगेशन जो है वो उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सोलन को जल्दी से जल्दी नगर निगम का दर्जा मिलेगा और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में परिवर्तन किया जाएगा। पर हमें आशा है कि कुछ आगे नहीं करना पड़ेगा, और अगर करना ही होगा तो जो हमारी संघर्ष समिति के लोगों में आपस में बातचीत हुई है, अगला हमारा कदम ये होगा कि हम एक लालटेन मार्च करेंगे गवर्नर हाउस में जाकर और उनको मेमोरेंडम देंगे। पर मुझे लगता है कि इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही नगर निगम बना दिया जाएगा।